हरिद्वार हेट स्पीच केस में यति नरसिंहानंद गिरी को उत्तराखंड पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरिद्वार हेट स्पीच मामले में दूसरी गिरफ्तारी हो गई है। यति नरसिंहानंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनको गिरफ्तार कर नगर कोतवाली हरिद्वार लेकर पुलिस आई है। इससे पहले वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। ये मामला काफी सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट में भी घृणित भाषणों को लेकर कार्रवाई की गुहार लगाई गई है। नागरिक संगठनों और कई अन्य हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना और अन्य हस्तियों को भी पत्र लिखा गया है। हरिद्वार धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने गुरुवार को पहली गिरफ्तारी की थी। इस गिरफ्तारी को लेकर यति नरसिंहानंद ने पुलिस अफसरों को धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा था, तुम सब मरोगे। नफरती भाषण देने के आरोपी धर्म गुरुओं में यति नरसिंहानंद भी शामिल है। हरिद्वार में धर्म संसद में हेट स्पीच को लेकर पुलिस वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी पर लोगों की भी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। आइए बताते हैं किसने क्या कहा। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर और पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने कहा, यति नरसिंहानंद गिरफ्तार, UAPA क्यों नहीं? पुलिस अन्य नरसंहार के बयान देने वालों को कब गिरफ्तार करने जा रही है? साथ ही उन्होंने अन्य आरोपियों का नाम जारी कर उनकी भी गिरफ्तारी की मांग उठाई है। पत्रकार कृष्णकांत ने कहा, जहरीला भाषण देने वाले यति नरसिंहानंद गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट का डंडा असरकारी है। अपनी संस्थाओं को बचाएं, लोकतंत्र वही बचाएंगी। NDTV के वरिष्ठ पत्रकार उमा शंकर सिंह ने कहा, जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के समय यति नरसिंहानंद गिरी अपनी भी गिरफ्तारी चाह रहे थे। कह रहे थे कि तीनों मामले में वे भी नामजद है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस लीगल प्रोटोकॉल का हवाला देकर चिरौरी कर रही थी और इन्होंने कहा, तुम सब मरोगे, अपने बच्चों को भी मारोगे। पत्रकार मीना कोटवाल ने कहा, सबसे जहरीला आदमी आखिरकार गिरफ्तार हुआ। आपकी क्या राय है इस खबर पर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और बाकी ऐसी ही वायरल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबा दीजिए, ताकि ऑनलाइन खबरों की सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे।